तो नमस्कार दोस्तों, आज आपको जानकारी हम लाए हैं कमर के दर्द के लिए। अगर अचानक आपके चिक लग गई है या आपके ब्लॉक नसों का दर्द है तो उसके लिए हम एक ऐसी औषधि बताएंगे जो कि हर जगह पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और उससे शरीर का जो भी दर्द है, चाहे जिंग का दर्द हो, जो चिक लग जाती है, आप जानते हैं, कहीं कहीं इसको अपनी भाषा में चटका भी बोलते हैं, और अचानक ये गर्दन पर, कमर पर या कहीं पर भी ऐसी चटका की शिकायत हो जाती है, चिंग की शिकायत हो जाती है, तो हमारे भयानक दर्द होता है, हमको मुड़ने में, चलने फिरने में या सभी प्रकार से इतना भयानक दर्द होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं चिक लगने से। तो उसके लिए हम आपको एक अचूक औषधि बताएंगे। या फिर आपके कमर में दर्द है या आपके ब्लॉक नसों में दर्द है, अगर ऐसी शिकायत है तो इस औषधि से आपके दर्द नहीं हो सकता। तो वो औषधि कौन सी है उसको हम बताते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि देहातों में छोटी दुधी बोलते हैं। छोटी दुधी ऐसे स्थानों पर मिलती है जहाँ पर खाली मैदान पड़े हों या रेतीली जगह हो या पुरानी ऐसी जगह हो जहाँ पर फील्ड टाइप के जगह होती हैं, तो उस जगह ये छोटी दुधी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। और छोटी दुधी एक ऐसी औषधि है, ये तमाम रोगों में काम आने वाली चीज़ है, अचूक औषधि है। तो दर्द के लिए इसका कैसे प्रयोग हमें करना है उसके बारे में दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर आपके चिक लग गई है या कमर में दर्द है या ब्लॉक नसों में दर्द है, तो इसके लिए आपको छोटी दुधी ले आएं और उसको साफ करके, पानी में धुल करके, करीब 25 ग्राम छोटी दुधी को पीस करके उसका लेप सा बना लें, और जहाँ पर आपकी चिक लगी हुई है या जिस स्थान पर शरीर पर आपकी दर्द है उस जगह पर इसका आप लेप कर दें। जैसे आपकी कमर में लगी हुई है तो कमर पर इसका लेप लगा लेने दें। कोशिश करें आप ऐसे समय पर लगाएं जिससे दवा पोछे नहीं और आपका लेप, जो लेप है, वो कुछ समय तक लगा रहे। इस प्रकार आप एक दो दिन जब इस लेप को लगाएंगे तो आपका जो चिक का दर्द है या कमर का दर्द है उसमें आपको एक चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा, कमर के दर्द के लिए भी और चिक के दर्द के लिए भी। क्योंकि चिक का दर्द दोस्तों आप जानते हैं अक्सर हुआ करता है, और ये कमर में, गर्दन पर, कहीं पर भी हो जाता है तो हमें लगता है पता नहीं सोने में हुआ है या किसी कारणवश उल्टी सीधी उल्टे जगह पर पैर पड़ने से हो जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से भी हो जाता है, नस का जब इधर उधर का चलना हो जाता है तब ऐसा चिक का दर्द होता है। तो उस दर्द को भी ये बंद कर देती है। जहाँ पर आपका स्थान है लगी हुई या दर्द हो, दर्द वाला स्थान है, उस जगह पर इस छोटी दुधी का पीस करके आपको लेप लगाना है, और इस तरीके से आपका जो कमर का दर्द है या आपका जो चटके का दर्द है तो उस स्थान पर लगाने से आपको अच्छा फायदा मिलेगा, और इस तरीके से दोस्तों आप ठीक हो जाते हैं। इनमें से कोई सा भी दर्द है तो इस छोटी दुधी के द्वारा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जब तक आपको पूरा आराम नहीं मिल जाता है एक दो दिन तो इसको आप लगाते रहें। और ये छोटी दुधी तो दोस्तों सब जगह मिल जाती है, देहातों में भी मिल जाती है, और इसको ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने आपको इसका, आपको जानकारी भी दी है, और इसको पहचान करके आप इसको उखाड़ ला सकते हैं और साफ करके, कूट पीस के, इसका लेप तैयार करके आपको जहाँ पर भी ऐसा स्थान है उस पर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम एक जानकारी और छोटी सी आपको देते हैं कि इसी तरह का कहीं पर भी कोई दर्द है, चिक का दर्द, कमर का दर्द या आपके कोई ब्लॉक नसों का दर्द है, तो उसके लिए आप अपामार्ग भी जानते होंगे। अपामार्ग एक ऐसी औषधि है कि इसके पंचांग बहुत काम आते हैं, बहुत दवाओं में काम आता है, और ये समझ लो ये तो एक एंटी पेन है, और इसे कैसे भी दर्द हो तो उस दर्द को दूर करने की भी क्षमता होती है। तो इस दूसरे उपाय को भी हम आपको बताते हैं। अपामार्ग आप देख रहे हैं, अपामार्ग का जो पिक्चर है वो आपके सामने है, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं।
ये देहाती स्थानों पर मिल जाती है, पुराने खंडर है वहाँ पर मिल जाती है, या जहाँ पर पुरानी जगह पड़ी हुई होती हैं, झाड़ी पर होती हैं, उस जगह पर मिल जाती है, और ऐसी तमाम मात्रा में ऐसी मिल जाती है। इसको आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं, और इसके जो ताज़े ताज़े पत्ते हैं अपामर के, उन पत्तों को आप हाथ में मसल करके, रगड़ करके, और जहाँ पर भी आपके चिन्ह लगी हुई है या दर्द है, तो उस जगह पर आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें कुछ देर के लिए, और दूसरे के किसी के हाथ से उस जगह पर थोड़ी सी मालिश कराएं जो अपामार्ग है उसके पत्तों की। ध्यान रहे दोस्तों, अपामार्ग के पत्ते कोमल कोमल हो, जिससे को आपको हाथ पर रगड़ने से दिक्कत ना हो, या आप किसी दूसरे के हाथ से उसको धीरे धीरे उस जगह पर जहाँ पर दर्द है उसको अगर मालिश करेंगे तो कुछ ही देर में आपको आराम मिल जाता है। और इस प्रकार से अगर इसको एक दो दिन और आगे करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का दर्द है दोस्तों वो ठीक हो जाता है। और इस तरीके से आपकी ये दर्द वाली समस्या है, चित वाली समस्या है, वो दूर हो जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी दोनों एक अचूक है, और ये दोनों औषधि हमने बताई हैं हर जगह मिल जाती हैं, और इनको आप अपने फायदे के लिए, अपने दर्द के लिए और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं जो कि दर्द से परेशान हैं या चिक से परेशान हैं, तो आप इसका उपाय भी कर सकते हैं और दूसरे को लोगों को जो दर्द है, तो इस तरीके से आप कैसे भी दर्द का छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों कैसी भी ब्लॉक नसें हैं, आपने देखा होगा कि हाथ पैरों पर जब जकड़न हो जाती है तो हमारे किसी स्थान पर भयानक दर्द होता है, या जब चिक का दर्द होता है, तो उसके लिए इन दोनों में से आप कोई भी सा उपाय कर सकते हैं। दोनों अचूक औषधि हैं, और दोनों दर्द के लिए जो हमने रास्ता बताया, तरीका बताया, उस तरीके से आप कैसा भी दर्द बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सरल उपाय है और घरेलू उपाय है, इसको आप खुद कर सकते हैं, और अपने लोगों को जो परेशानी से ग्रसित हैं उनको भी आप अपने द्वारा लाभ दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हम दर्द के लिए यहीं तक रखते हैं, कोशिश करेंगे अगले किसी कोई नई जानकारी हम फिर आपको लाते हैं। तब तक के लिए, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, जिससे और नई जानकारियाँ, नए वीडियो आपको मिलते रहें और उनकी अलर्ट आपको मिलता रहे। जिस तरीके से आप घर बैठे और सभी तरह की आप इच्छा अनुसार जानकारी दोस्तों ले सकते हैं, वैसे पीछे भी हमारी जानकारी वीडियो सभी तरह के पड़े हैं, और नई जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें। तो इसी दो जानकारी के साथ सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार।